भागलपुर का सिल्क देश से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध है। यहाँ सिल्क के कई तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं, लेकिन अब इसका मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ा दिया है। दरअसल भागलपुर के बने सिल्क के चादर को ओढ़कर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता भारत मिशन के कार्यक्रम को संबोधित किया, जिससे भागलपुर का मान और भी बढ़ गया है। ये चादर पूरी तरीके से सिल्क के धागे से तैयार किया गया है। खास बात यह है कि यह पावर लूम पर नहीं बल्कि हैंडलूम पर तैयार किया गया है। जब चादर को भेजने वाले लतीफे सिल्क के निदेशक अहमद नदीम से लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि यहां से सिल्क के कपड़े देश से लेकर विदेश तक जाते हैं। प्रधानमंत्री का चादर रेशम विभाग के द्वारा चयन किया जाता है। इसमें यहां से रेशम विभाग बेंगलुरु को कई चादर भेजा गया था, लेकिन इसमें सिल्क के बने चादर को चयन किया गया, जो काफी गौरव की बात है। वहीं इस चादर को 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने ओढ़कर कार्यक्रम को संबोधित किया था। वहीं इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल दिल्ली के संयुक्त सेक्रेटरी प्रजाक्ता वर्मा ने भी ट्वीट किया है, लतीफ सिल्क व भागलपुरी कपड़े की सराहना भी की। उन्होंने बताया कि मेरे पूर्वजों के समय से ही सिल्क का कारोबार चलता आ रहा है। वहीं मुदसिर फारूक ने बताया कि यहां पर जो भी सिल्क के कपड़े तैयार होते हैं वो लोकल क्षेत्र में मिलने वाले सिल्क के धागे से होते हैं। वहीं यहां हैंडलूम का काम होता है, जो लोगों को काफी पसंद आता है। चादर तैयार करने वाले बुनकर सुशील तांती से जब बात की गई, उन्होंने बताया कि चादर को हैंडलूम पर तैयार किए हैं। एक चादर को तैयार करने में करीब 3 दिन लग जाता है, क्योंकि काफी बारीकी से काम किया जाता है। इसको ताना बाना पर तैयार किया जाता है। वहीं उन्होंने बताया कि बुनकरों की स्थिति ठीक नहीं है, यहां बुनकरों को काम मिलना चाहिए, जिससे हम लोगों की रोजी रोटी चल पाए। नदीम ने बताया कि यह चादर 3 तरह के धागे से तैयार किया गया है। इसमें खास बात यह है कि चादर फाइन धागे से तैयार नहीं हुआ, यह मीडियम सिल्क के धागे से तैयार हुई है। उन्होंने बताया कि एक कोकून से 3 तरह के धागे निकलते हैं, जिसमें सबसे फाइन धागा होता है, एक मीडियम होता है और एक लोअर होता है। यह चादर तसर सिल्क, मलबरी सिल्क व एरी सिल्क के धागे से तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि दीपावली तक मार्केट में भी यह चादर आने की संभावना है। भागलपुरी चादर प्रधानमंत्री ने रख भाषण दिया था, क्या है, कैसे आपको ऑर्डर मिला और कैसे पहुंचा उन तक, कौन सा वो चादर है? भागलपुर हैंडलूम के लिए पहले से ही प्रसिद्ध माना जाता है, और यहाँ पर हमारे भागलपुर में सिल्क के काफी व्यवसाय काफी प्रसिद्ध है, और हमारे पास जो वीवर्स हैं वो हैंडलूम में वीव करते हैं। भागलपुर की खास बात यह है कि भागलपुर इस सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर तसर का खेती हुआ करता था, और आज भी यहाँ पर आपको काफी महिला मिलेंगी जो कि तसर से धागा बनाती हैं। तो धागा जो बनता है वो हस्तकरघा के माध्यम से बनता है, और उसके बाद फिर वो हैंडलूम में जाकर के वीव होकर के कपड़ा बनता है, जिसमें आप चादर भी बन सकता है और आप पहनने के लिए भी कपड़ा बना सकता है। अभी भागलपुर वासी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि कुछ दिन पहले ही 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने हमारे भागलपुर के चादर को अपना अंगस्त बना करके हमारे भागलपुर की शान बढ़ाई है, और हमारे वीवर्स और जो महिलाएं हैं उनकी जो मेहनत है उस मेहनत को पूरे देश पूरे दुनिया के सामने उजागर किया है। तो मैं आपको ये शॉल दिखाना चाहता हूं जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी 2 अक्टूबर को अपने अंगवस्त में लिया था। तो ये जो शॉल जो है ये 100% पूरी तरह 100% सिल्क है। इसमें जो धागा लगा हुआ है वो हैंडक्राफ्टेड धागा है, और ये धागा जो है वो रिसाइकल धागा भी है। हैंडक्राफ्टेड धागा जो कि हाथ से महिलाओं ने, भागलपुर के आसपास के गांवों की महिलाओं ने बनाया है, और ये धागा, ये जो फैब्रिक है, ये जो शॉल है, ये भागलपुर के ही हैंडलूम वीवर जो हमारे अम्बई के जो हमारे कारीगर हैं उन्होंने इसको अपने लूम पर, पिट लूम पर इसको बनाया है। कौन कौन से धागे इसमें लगे हुए हैं? देखिए, ये तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये सिल्क का धागा है, तो इसकी प्योरिटी 100% सिल्क है। इसमें सिल्क का जो चार तरह का मेजरली सिल्क आता है, उसमें 3 तरह का इसमें सिल्क लगा हुआ है। पहला जो है इसमें तसर सिल्क है, जो आप यहाँ पर ब्लैकिश कलर का जो अलग अलग देख रहे हैं वो आपका तसर सिल्क है। उसके बाद ये आपका एरी सिल्क यहाँ पे लगा हुआ है जो व्हाइट में है, और इसके तानी में जो है वो मलबरी का जो लोअर वर्जन होता है नॉइल सिल्क वो लगा हुआ है। तो इसमें 3 प्रकार के सिल्क लगे हुए हैं। कौन सा चादर आपने तैयार किया था
जो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचा है? सिल्क का किया है। सिल्क का किया है। हाँ। कितना दिन लगता है उस चादर को तैयार करने में? एक चादर तैयार करने में 3 दिन लगता है। क्या प्रोसेस होता है तैयार करने का, कैसे तैयार करते हैं? पहले उसको बाबिन भरते हैं, तौनी करते हैं, उसके बाद हैंडलूम पर जाता है तब बिनते हैं। हैंडलूम पर उसकी बुनाई करते हैं? हाँ, हैंडलूम पर। कौन सा धागा होता है उसमें? इसमें भरकटिया होता है, नुआयल होता है, घिच्चा होता है, मतलब बहुत तरह के धागे होते हैं। किस डिजाइन में उसको तैयार किया था? जैसा डिजाइन दीजिएगा उसे डिजाइन में तैयार कर देंगे। अच्छा, इस चादर को जो तैयार किए थे वो कितना समय लगा था लगभग तैयार करने में? 3 दिन। 3 दिन में तैयार किया था। अच्छा, मोदी जी आपके चादर को ओढ़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है, होना तो चाहिए, मोदी जी पहन लिए, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अच्छा, कैसे बुनकरों की यहाँ पर क्या स्थिति है? कोई खास नहीं, फिर भी हम लोगों की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करें इन लोगों को, कि आगे चल के हमारे पास काम आए या शहर में किसी के पास भी आए तो काम तो अल्टीमेटली इन लोगों के पास पहुँचे। अच्छा, यहाँ का सिल्क कहाँ कहाँ जाता है? इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे यूरोपियन कंट्री हो गया, अमेरिकन कंट्री हो गया, ये सब जाता है जी। अच्छा, पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के कपड़े को पहने हुए? जी जी, पहले पसंद किए हैं, हमारे यहाँ से नहीं गया, और लोगों के यहाँ से गया है। और लोगों के यहाँ से जी। आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी है, हमारे शहर का, हमारे घर का, हमारी कंपनी का इनके पास गया है तो।